राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिलाधिकारी समीन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वहीं लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ साथ ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाना जरूरी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इसमें मुख्य एजेंसीज जो सड़क सुरक्षा को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आरटीओज और हमारे पीडब्ल्यूडी। सो इसमें कुछ चार पांच महत्वपूर्ण विषय जो डिस्कस हुए हैं और वो टाइम बाउंड भी करे गए हैं। पहला है कि वल्नरेबल स्ट्रेचेस पे, चौंक चौराहों पे और जो हमारे जंक्शंस हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स ऐसे कि वहाँ पे व्हीकल्स आर फोर्स टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कहीं पर हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमिन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेज SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को, और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वनेबल सिटीज में लग जाएंगे।